ये तो ज्यादा लग रहा है। ये आदमी देखो पीछे घूम रहा है, इसको लग रही सर्दी। देखो तो गाइस तैयारियां चल रही हैं, शादी का माहौल है। एक जो वहां पर है वहां भैया की शादी है, यहां पर भैया की शादी है। तो भैया सारी तैयारियां हो गई? हाँ, अभी तैयारियां चल रही हैं, धीरे धीरे सब आगे बढ़ रहा है। अच्छा, अभी प्रेस वाला कटिंग करने वाला और बैंड बैंड सब अभी आ रहे हैं, धीरे धीरे करते हैं। यही तो मेन है। तो आज कैसा लग रहा है आपको? आज बहुत अच्छा लग रहा है, ये आज अंतिम दिन है मेरे बैचलर रोड का, उसके बाद मैं शादीशुदा हो जाऊंगा और सभी लोग शादीशुदा हो जाते हैं, मैं भी हो जाऊंगा। बहुत अच्छा है। तो गाइस भैया ने अभी तक बैचलर वाली पार्टी नहीं दी हमको। बिल्कुल, आप सभी लोगों को बिल्कुल हर पार्टी, हर तरीके की पार्टी देंगे। तो आपने अपने अपने जो ऑफिस मेट्स हैं सबको दिया पार्टी? वार्ड बैचलर वाला बैचलर पार्टी मैंने एक तो दिल्ली में तो अरेंज कर दी थी 15 अप्रैल को। ओके, उसके बाद यहाँ पे आके चूंकि बहन की भी शादी थी बीच में, तो इसलिए बैचलर वाली पार्टी यहाँ के लोगों को नहीं दे पाया, लेकिन कोई नहीं, पार्टी अभी है आगे। आप भी चलो? नहीं चलेंगे क्यों भैया? ले चले मम्मी को, ले चलते हैं। तो बस ठीक है, हमारा आपका साथ रहेगा। बस 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 सही है, हमें ब्याह करना है। बस सोच रहे थे बारात जल्दी निकल जाएगी, बहुत टाइम लगने वाला है। एकदम रेडी हैं हम तो। निकलो भाई, देखिए पूरी सब्जी खा रहे हैं। ये क्या कर रहा है? बारात में जाके खाइए। 4 घंटा लगेगा तो पहले ही डीजल इंजन में डीजल भर दे रहे हैं। तो लोग जीरो टू नाइट ट्रिपल नाइन, हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं कि कैसे भी करके ओपन हो जाए। कॉम्बिनेशन एंड परमिटेशन आपका बैग इनका ऐसा ही मैं कर रही हूं। अच्छा, तो बच गए, नहीं तो मतलब उनका तो ऐसे भी काम चल जाता। इसमें 1 करोड़ 1 रुपया है तो उसमें से 1 रुपया दे देंगे। बस यहाँ से समेट के ये रायता पहुँचो, वहाँ पे वहाँ अपना अलग ही है सिस्टम। हाँ, गाँव वाला समेटते समेटते अलग ही रहती है व्यवस्था। बस में कोई बैठेगा नहीं जाके, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है भाई। बाकी दोस्त लोग भैया के आ गए हैं, 80% भीड़ वहीं मिलेगी। सही है। तो 50 किलोमीटर की रास्ता अभी बाकी है। तो भाई बारात इतनी दूर है कि 50 किलोमीटर अभी सफर और बाकी है। आई थिंक हम लोग 125 किलोमीटर पूरे कर चुके हैं। 184 टोटल किलोमीटर था। 184 इतनी दूर कैसे तय कर लिया आपने? अभी यही तो जिंदगी है, जब दूर है तभी तो पास आएंगे। हमारी तो 35 किलोमीटर पे ही है। अरे तुम लकी हो, हम थोड़े ज्यादा लकी हैं। वाली गाड़ी चला, क्या हो गया सफर का मजा? लोग क्यों परेशान हो? जिसका जिसका हो जाए, हमने हमने निकलते जाओ, ये हम कह रहे हैं। जितनी जल्दी पहुंचोगे उतनी जल्दी रसगुल्ला मिलेगा उसको, हम तो पहले बता दे रहे हैं। कुल मिला के रसगुल्ले का खेल है। अभी शादी हो गई, पहुंच पहुंची गाड़ी हो गई, तब तो फिर मतलब रसगुल्ले से जल्दी बाहर निकलो, बस हो गया। नहीं पाया था भाई हमारे वाले में, तो लेने वाले हो? अच्छे अच्छे कंगन और अच्छी अच्छी चूड़ियां रात में कहां मिल जाएंगी? चूड़ियां आप भी कमाल कर रहे हैं। घर पर लेने वाले हैं आप? दूल्हे की गाड़ी हम लोग ढूंढ रहे हैं, टोल प्लाजा पे खो गई है, मिल जाएगी तो हम लोग जल्दी बता देंगे, है ना? ढूंढ रही हो ना? हाँ। ये लड़की ढूंढ रही गाड़ी भैया। यात्रा प्रारंभ हो रही है, सब लोग आ भी चुके हैं आपको नई यात्रा प्रारंभ कराने के लिए। आप ही है ना? ये ब्लॉगर है। मैं ब्लॉगर हूँ और मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ।
बिल्कुल आपके जीजा जी हैं, फोटो लीजिए, जीजा जी को ले जाइए। तो भाई, भाई को देखो अभी बारात नहीं आई है, भाई हम होली नहीं चढ़ाई, इसने खाना शुरू कर दिया है। सिखाया? हाँ। सब धोखे आवाज, मैं भी खा लेता हूँ जाके, मैं क्यों रोक जाऊँ? तो आप लोग क्या कहना चाहोगे? भैया ने तो बहुत बोल लिया, आज बोलने का मौका नहीं देना है, आप लोग क्या कर रहे हो? अच्छा, ये तो अच्छा लगा, मतलब आप लोगों से किसकी शादी अभी नहीं हुई है? आज तो भैया की होने वाली है, सब क्यों हो गई है? आप लोगों ने ऐसे कैसे छोड़ दिया था लंबे समय तक? भैया के कारनामे आज हमको सुनने को मिल रहे हैं। शादी में हाँ, जिसकी शादी होती है वही कुछ नहीं देख पाता, बाकी सबको एंजॉय करते हैं। हम शादी के बाद एंजॉय करेंगे। ये बात तो सही है, वो अच्छा है। मैं बोल रहा हूँ जिसको नहीं हुई वो अच्छा है। अच्छा, फिर तो सब दवाओं में आने वाले हैं। अभी भी है दवाओं में, प्रेशर रिलीज हो रहा है इधर। चाहे कोई जितना भी शेयर लेकिन घर में जाकर वो साझा कर रहे हैं, भैया को सारा का सारा ज्ञान आज मिल जाएगा, इसके बाद भैया दूसरों को जिंदगी ज्ञान मिलेगा। अब हमारे सब दूसरे से मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार जब नर्सरी में एडमिशन होता है, इसके बाद हम लोग एक ही स्टेप पढ़ते जाते हैं बस, काफी लंबा स्टेप, और सब लोग डराते जाते हैं नहीं अभी और आगे बढ़ो, अभी क्या होगा देखते रहना। इसका मतलब ये है, हम आपको बताते हैं, अगर पत्नी सुलझ मिल जाए घर को लेके चलने वाली, और आप 50 रुपए कमाते हो उसमें भी वो लगभग लगभग 27-28 रुपए बचा लेगी, और पत्नी अगर दुष्ट मिल गई तो 50 तो वो और 10 और बिल्कुल 60 खर्च कर देगी आपके। तालियां हो जाए सर के लिए एक बार। इनका भी नाम मनोज है। क्या बात कर रहे हैं, अभी जो हाल में ही शादी हुई थी। हाँ, उस दिन मैं नहीं आ पाया था, आई थिंक मैं कहीं और था, बट फाइनली आज हम मिल गए। इनका भी नाम मनोज, एक और थे वो है ना, वो भी मनोज ट्रिपल स्क्वायर था यहाँ पे। तो भैया के कलीग्स भी हैं यहाँ पर, प्रवीण जी, तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। और भैया इस समय अपने जितने भी मतलब उनके ससुराल के लोग उनके संग में बिजी हो गए हैं, वो लोग उनको छोड़ नहीं रहे हैं, फोटोज और मतलब रील्स और सब कुछ हो रहा है। जो चढ़ती है यहाँ पर पार्वती बोलते हैं उसको, वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं, फुल एंजॉय करेंगे, फुल टास्क डांस के साथ। सो गाइस, मैं भी फर्स्ट टाइम फिरोजाबाद में हूँ, और बगल में शिकोहाबाद वाले देखकर मुझे कमेंट जरूर करेंगे, मुझे पक्का पता है, तो इसलिए मैं नेक्स्ट टाइम शिकोहाबाद जरूर आऊँगा। आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अच्छा, हेलो हेलो, वीडियो बनाते हैं ना, कैसा है? बोलो, अच्छा हूँ। क्या नाम है आपका? चले पापा, हम बैठे चले उस पे, तब तक डम डम सब चालू होएगा। देव को बुला लेना, बहुत जल्दी हो जाए, बाकी सब लोग अभी तैयार नहीं हो पाए हैं। अरे यार, ये औरतें हैं, 2 घंटे हो गए भाई, तैयारी नहीं हो पाई है। चलो यार, तैयारी करते हैं भाई, जल्दी निकालो। ये बताइए कहाँ क्या करना है? हम तो कहीं वो बैंड वैंड वाला देखो, हमें ले चलो, हम वहाँ बैठते हैं चल के। गाड़ी में लेकिन आपको? गाड़ी में नहीं, कहाँ बैठना है, कहाँ किस पे बैठना है, तैयारी देख के आओ। कोई बात नहीं, मतलब देखो यार, अभी जितने भी लोग आए हुए ना साथ में, सब लोग अभी तक रेडी नहीं हो पाए हैं, तो भैया को क्या है ना, लेट हो रहा है, रात के 11:30 बज चुके हैं। ये देखो छोटा दूल्हा भी हमारे साथ में, क्या नाम है तुम्हारा? Thank you.
हेलो उठ जाओ। तो गाइस फाइनली जयमाल तक आ गए हम लोग, बहुत देर नाचा इन लोगों ने। भाभी जी के लिए जगह छोड़ी है, बिल्कुल पूरी भाभी जी के लिए जगह छोड़ी है आपकी। और भैया अभी भी कुछ बचा हो तो आप कह सकते हैं एट लास्ट मोमेंट, शादी करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ये अब ये वाला सवाल नहीं पूछना, शादी तो बिल्कुल करना चाहिए भैया। शादी सही लड़की से करना चाहिए, शादी करना चाहिए और सही लड़की से करना चाहिए। अब जो लड़की हो वही सही लड़की है। बहुत नाचा, पैर दर्द कर रहे हैं। मैडम से पूछ के बताएंगे कैसा लग रहा है। मैडम से भी पूछ लेते हैं। इसके लिए आपको दिल्ली आना पड़ेगा, 1059 दिल्ली आना पड़ेगा, आरके पुरम सेक्टर 4। ओके 1100022। ओके भाभी जी नमस्कार। आधे ज्यादा लोग भाग चुके हैं फोटोग्राफर की जो है ना जिंदगी जो इस समय झंड है। अंकल जी बोल दिए, अंकल जी खुद ही फोटोग्राफी कर रहे हैं, बात तो ये है। और ये वीडियो जो शूट कर रहा है ना वो बंदा ये रहा। तुमको नींद नहीं आ रही है? आ रही है। नहीं बोल के तुमने तो ऐसा लग रहा फोटोग्राफी लॉबी को ललात मार दी हो। फाइनली यहाँ पर लड़की के भाई जी हमारे साथ ही हैं और इनका नाम पवन है और ये जो है एक तरह से मनोज जी के साले हैं। तो मिल के बहुत अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा। और बेटी ने क्या कर रहे MBA MBA कर रहे हैं। ओके कोई नहीं, सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशन लिखो और कमेंट करो, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, ठीक है? और अभी विदाई के पार्ट बाकी है तो उसको देख के जाना।